ये जिस जगह पर अभी हूँ मैं, ये इन्होंने पार्क सा बनाया हुआ छोटा, यहाँ पर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने खिताब किया था। और ये अलामती तौर पर, ये पीछे इन्होंने अलामती तौर पर ये सतून सा भी बनाया हुआ है। अभी जिरस से निकल रहे हैं इंशाल्लाह, खाना खा लिया है, यरमूक जा रहे हैं, जंग यरमूक जहाँ पर ये तारीखी मैदान है, तारीखी जगह है, इंशाल्लाह यरमूक से मिलते हैं आपसे। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, तौहीद की अमानत सीनो हमारे, की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, दुनिया के रजब के महीने में 15 हिजरी को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 4 साल बाद मशरिक़ वस्ता में हमेशा के लिए सियासी नक्शा बदल गया, जिसकी इब्तिदा इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 11 हिजरी में की थी, जब उन्होंने इराक़ के फतह के लिए मुसलमानों की तमाम फौजें रवाना कर दीं, यहाँ तक कि मदीने की दिफा के लिए ज़रूरी फ़ौज भी बाकी न रही। 5 रजब सन 15 हिजरी को साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने यरमूक के मैदान में उस वक्त की दुनिया की दूसरी बड़ी क़ुव्वत रूम के साथ फैसला कुन और तारीखी जंग की, जो इस्लाम की तारीख का काबिल फ़ख्र सफ़ा है। ये दौर था दूसरे खलीफा राशिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का। इस्लामी तारीख की वर्क गिरदानी में आपको ट्रैवल गर की तरफ से खुश आमदीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में दुनिया में दो बड़ी ताकतें थीं जो आपस में लड़ती रहती थीं, एक रूम दूसरी फारिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले की जंगों में फारिस रूम पर अक्सर जंगों में गालिब रहे थे। सन 600 से 628 ईस्वी के दरमियान हुई जंग में बिलाखिर रूम को फारिस पर फतह हासिल हुई, जिसका जिक्र कुरान में सूरह रूम के शुरू में मौजूद है। लेकिन इस फतह से रोमियों को सिर्फ पिछली मकबूजा ज़मीन ही वापस मिली और खत्ते के सियासी नक्शे में कोई खास रद्द बदल ना हुआ। غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله أكبر الله जिस दौरान ये दो ताकतें आपस में उलझी हुई थीं, अल्लाह ने जज़ीरे अरब में इस्लाम का सूरज तुलू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरे अरब को दावत, खुतूत, गज़वात और सराया के जरिए इस्लाम के झंडे तले मुत्तहिद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 8 हिजरी को फतेह मक्का के बाद पूरा अरब एक रब और एक रसूल को मानने लगा। जब 11 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो अरब की कबाइल ने इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, जिसको उन्होंने एक ही साल में हुरूब रिद्दा यानी मुर्तदों के ख़िलाफ़ जिहाद के ज़रिए कुचल डाला। इसी साल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो जंग यमामा के बाद आराम ना करें, बल्कि इराक़ को फतह करने की तरफ मुतवज्जे हों। जनूबी और मगरबी इराक़, अर्दन और मशरक़ी शाम मुसलमानों की पहली फतुहात थी। ये इलाके तारीख में रोम और फारस के दरमियान मैदान जंग रहे थे। इन फतुहात से गोया
इन दो ताकतों का जमीनी रास्ता एक हद तक कट गया था। सन 12 हिजरी में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी फौजों को हुक्म दिया कि वो रोम के इलाके पर चढ़ाई करें और इनकी फलस्तीन और मिस्र से आने वाली इमदाद को काट दें। हरकल ये गुमान कर रहा था कि मुसलमान सारी फौज के साथ जनूब से हमला करेंगे, इसलिए उसने अपनी अक्सर फौज को जमा करके अंताकिया के पास इंतज़ार करने लगा। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मुख्तलिफ शहरों पर अपनी फौज को तकसीम करके निचले इलाके फतह करना शुरू कर दिए। हरकल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बड़ी फौज भेजी, ये सोचते हुए कि मुसलमानों की मुनकसिम फौजों को बआसानी शिकस्त दे दी जाएगी। इस मौके पर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि इराक में मौजूद फौजें शाम में मुसलमानों की मदद को पहुँचें और इराक की तमाम फौजों की क़ियादत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द की। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु फौरन हुक्म की तामील करते हुए अपने सिपाहियों को लेकर शाम पहुँचे, जिसकी हरकल को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। 13 हिजरी को इजनादीन के मकाम पर रोमियों और मुसलमानों की पहली बाकायदा जंग हुई, जिससे रोमियों का मकसद था कि मिस्र से अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह अन्हु की कुमक न आ सके। लेकिन अजनादीन में रोमियों को शिकस्त हुई और अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर मुसलमानों के साथ मिल गया। मुसलमानों की मिस्री, शामी और इराकी फौजें अब एक मकाम पर जमा हो चुकी थीं, लेकिन रोमियों को अब भी मुसलमानों पर एक अहम गलबा हासिल था और वो था बहर मुतवसित का साहिल, जिसकी वजह से उनके लिए नकलो हमल आसान था। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों की फतुहात का सिलसिला जारी रहा और मुसलमानों ने दमिश्क शहर का मुहासरा कर लिया। हरकल को दमिश्क का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और एक ख़ास लश्कर दमिश्क के छुड़ाने के लिए भेजा, जिससे मर्ज सफ़र के मकाम पर मुसलमानों की जंग हुई और रोमियों को यहाँ भी शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। दमिश्क के किले की दीवारों को खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने खुद चढ़कर फलांगा और आखिरकार दमिश्क भी फतह हुआ। इसी दौरान अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु नए खलीफा मुकर्रर हुए। उन्होंने आते ही मुसलमानों की फौज की क़ियादत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द की, ताकि मुसलमानों का यकीन कहीं अल्लाह के बजाय खालिद रजी अल्लाह अन्हु पर ना हो जाए। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने हम्स का शहर फतह किया तो हरकल को अपनी हुकूमत के आखिरी दिन करीब नजर आने लगे, क्योंकि हम्स के बाद हलब और इंताकिया ही बड़े शहर बाकी रह गए थे। हरकल ने बजाय छोटी छोटी करने के एक फैसला कुन जंग करने का इरादा किया और अपनी तमाम फौजों को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। इसी दौरान हरकल ने फारस के बादशाह जिद्दजहद से भी रابطे किए कि वह इराक की तरफ से मुसलमानों पर हमला करे और रूमी शाम की तरफ से, ताकि मुसलमान दोनों तरफ से पिस जाएँ। लेकिन जिद्दजहद को मुसलमानों का सामना करने की हिम्मत ना हुई और वो पसवा हो गया। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने इस दौरान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर अमल किया और मुसलमानों की तमाम अफवाज को मफतूहा इलाकों से पीछे ले जाकर नहर यरमूक के पास जमा कर लिया। रूमी अपना लश्कर लेकर यरमूक पहुंचे और 3 महीने तक दोनों लश्कर आमने सामने रहे, लेकिन इस दौरान कोई बड़ी झड़प ना हुई, यहाँ तक कि 5 रजब सन 15 हिजरी को फैसला कुन जंग का आगाज हुआ। तारीखी रिवायात में रोमियों के लश्कर की तादाद के मुतालिक इख्तिलाफ पाया जाता है, कहीं पर 2 लाख से ज़्यादा का जिक्र मिलता है तो कहीं पर 1,20,000 का। लेकिन इतनी बात पक्की है कि रोमियों की तादाद 60,000 से ज़्यादा थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 24,000 थी। रोमियों का लश्कर मुख्तलिफ नस्लों और ज़बानों पर मुश्तमिल था और उनका असलहा भी मुसलमानों से कहीं ज़्यादा था। मुसलमानों को जहाँ किल्लत का नुकसान था, वहीं उनकी तादाद की कमी की वजह से नकलो हमल में आसानी का फ़ायदा भी था। जंग का पहले दिन सिर्फ शख्सी लड़ाइयाँ हुईं, जिसमें रोमियों के बड़े सरदार और शहसवार मारे गए, जिसके बाद रोमियों के सिपहसालार फाहान ने अपनी फ़ौज के एक दस्ते को हुक्म दिया कि वो मुसलमानों के करीब जाकर उनके हिकमत अमली और जज्बे का जायज़ा लेकर आएँ।
لیکن مسلمانوں نے ان کو پسپا ہونے پر مجبور کیا اور پہلے دن کوئی قابل ذکر لڑائی نہ ہوئی۔ جنگ کا دوسرا دن، فہان نے صبح ہوتے ہی اپنی تمام فوج کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کا دائیں دستہ پسپا ہو گیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے شاہ سوار دستوں کو ساتھ لے کر اس دستے کی کمک کی اور رومیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہی حال بائیں دستے کا ہوا تو خالد اپنے شاہ سواروں کو لے کر فوراً ان کی کمک کے لیے پہنچے، یہاں تک کہ رومی لشکر دن بھر کی لڑائی کے بعد اپنے خیموں کو لوٹ گیا۔ جنگ کا تیسرا دن، رومیوں نے شروع سے ہی مسلمانوں کے دائیں دستے پر حملہ کیا اور مسلمان ایک بار پھر پھسپا ہو کر اپنے خیموں تک لوٹ آئے، جہاں پر خالد نے ایک بار پھر اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ ان کی کمک کی اور رومیوں کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن آج کے دن مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جنگ کا چوتھا دن، خالد رضی اللہ عنہ نے اندازہ لگا لیا کہ رومی اگر اسی طرح حملے کرتے رہے تو مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو جائے گی اور رومی بالآخر اپنی کثرت کی بنا پر جیت جائیں گے، اس لیے آج دفاع کے ساتھ جوابی حملہ لازمی کرنا پڑے گا۔ رومیوں نے ایک بار پھر مسلمانوں کو اپنے خیموں تک دھکیل دیا، لیکن اس بار خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس طور پر دو حصوں میں تقسیم رکھا کہ رومیوں کی صفوں میں خلا پیدا ہو گیا اور رومیوں کے دونوں حصے ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اسی موقع کی تلاش تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے شاہ سواروں کے ساتھ رومیوں کے پیچھے جا کر ان پر حملہ کر دیا اور رومیوں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ رومی اس اچانک حملے سے گھبرا گئے اور بمشکل دن ڈھلتے اپنے خیموں کو لوٹے۔ جنگ کا پانچواں دن، فہان نے ایک قاسم بھیجا جس نے جنگ کو کچھ دنوں تک ملتوی کرنے کی درخواست کی، جسے خالد رضی اللہ عنہ نے ٹھکرا دیا اور وہ جان گئے کہ رومیوں کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ چنانچہ خالد نے ارادہ کر لیا جنگ کو ختم کر کے ہی چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایک گھڑ سواروں کا دستہ رومیوں کے لشکر سے چھپ چھپا کر ان کے پیچھے بھیج دیا، جنہوں نے وادی کے داخلے کا واحد راستہ بند کر دیا اور اب رومیوں کے لیے موت یا فتح کے سوا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ جنگ کا چھٹا دن، جنگ کا آغاز ہوا تو خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر رومیوں پر حملہ کر دیا اور رومیوں کے اکثر گھڑ سوار گزشتہ دن مارے جانے کی وجہ سے ان کے صفوں میں خلا پیدا ہو گیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد رضی اللہ عنہ نے پھر رومیوں کے باقی ماندہ گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا، جو زیادہ مزاحمت نہ کر سکے اور مارے گئے۔ گھڑ سواروں کی موت سے باقی رومی لشکروں میں کلبلی مچ گئی اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، جن کا مسلمانوں نے پیچھا کیا اور آدھے لشکر کو قتل جبکہ باقی کو قید کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فہان کا پیچھا کیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ فتح سے مسلمانوں نے سارے شام فلسطین پر قبضہ کر لیا اور چند ہی سالوں میں تمام فارس اور مصر پر بھی اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ الحمدللہ ادھر پہنچ آئے ہیں یہ میدان یرموک، انشاءاللہ بھی دیکھیں گے جہاں پر جنگ ہوئی تھی تاریخی۔ علاقہ اس سے بھی بہت قریب ہے، شام سے، شام کا بارڈر یہاں سے قریب ہی ہے۔ ابھی بتا رہا تھا کہ گائیڈ کے اس جگہ پہ بارڈر نہیں بھی ہے، مطلب کہ بیچ پہ فینس وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو فینس نہیں ہے یہاں پہ، تو لوگ جو ہیں ادھر آتے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر
बड़ी सख्ती भी है, अगर कोई देख ले फौजी उसकी कैमरा की और वीडियो की, लेकिन फिलहाल तो कोई भी नहीं है। على ايش صحام؟ هون مكان خالد بن الوليد خطب بالجيش، هذا رمز النصر الكبير، هذا 6/3/6 هلا شوف من هون هيك बड़ा मैदान है। هناك سوريا طوله من 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 الحدود السورية لطبرية 10 كيلو وراء هذا الجبل؟ لا لا هذا سوري، هذا كله هنا سوري، هذا السهل السهل هذا هون أردن هون سوريا. أجا نصفه في أردن نصفه في سوريا. سوريا هذا كله سوريا، هذا الجولان. جولان. جولان. अच्छा अच्छा ये गोलान की पहाड़ियाँ ये हैं, ये यरमूक आधा इधर उर्दुन में है और आधा हिस्सा उसका उस तरफ शाम के अंदर है। कैमरा में तो सही साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक्चुअल में कोई बंदा है जिस तरह मैं यहाँ पर हूँ देखे तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और बड़ा बस बहुत वसी मैदान है। They see us clear. ये देखें आपने इसराइल में उन्होंने एग्रीकल्चर ज़राअत को कैसा वो किया है मुअज़्ज़म को। इसराइल में नहीं अब दा हदूद इसराइल हदूद इसराइल هذا جزء من أراضي سوريا احتلت 1967 1967 was occupied by Israeli Kurds 1967 but now under the Israeli hands a big area and down you can see big farms of apples the best quality of apples in the Middle East over here and they send them to the central markets in Europe and America. Right now it's in the occupation of Israel. Yeah. ये जगह पर अभी हूँ मैं, ये इन्होंने पार्क सा बनाया हुआ छोटा, यहाँ पर एक गाइड तो बता रहा है, पता नहीं वल्लाह आलम कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने खिताब किया था और ये अलामती तौर पर ये पीछे इन्होंने अलामती तौर पर ये सतून सा भी बनाया हुआ है कि यहाँ पर मुसलमानों का जो लश्कर था यहाँ पर था। ये मेरे पीछे ही बिल्कुल ये देखें चौकी से बनी हुई है, फौजी भी हैं। अभी मुझे ख़ारिश हो रही थी ड्रोन की तो इन्होंने कहा कि चुपचाप वीडियो बन जाए तो बड़ी बात है। सामने गोलान हाइट्स है, मेरे पीछे गोलान हाइट्स है। इस तरफ अभी धुंध है आज, वरना कह रहे हैं यहाँ पे जो बहिरा तबरिया है उसका पानी नज़र आता है, उसके उस तरफ इसराइल है और गोलान हाइट्स के इस तरफ यहाँ पर ये मेरे पीछे ये शाम है सूर्या। तो ये जो यरमूक का मैदान है ये अभी समझ लें कि तीन मुल्कों के बीच में है, इसराइल शाम और उर्दुन, और बहुत ही ज़्यादा हसास इलाका है। लेकिन यहाँ पर मंज़र बहुत खूबसूरत है और बहुत जो है तारीख़ी इलाका है, सहाबा इकराम और नेक हस्तियाँ दीन के लिए उन्होंने यहाँ पर जाने दी हैं और जंग की है, तो अल्लाह उनकी बरकत से हमें भी दीन पर इस्तेकामत दे और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। अभी हम यरमूक के मैदान से थोड़ा आगे जा रहे हैं, यहाँ पर कोई यरमूक रिवर है और जॉर्डन रिवर है जो आपस में मिलते हैं, उस जगह को देखने जा रहे हैं। ठंड यहाँ पर ज़्यादा है अम्मान से काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर गूगल पे देख लेते हैं, लेकिन बाहर निकले तो
ظاہر ہے فوراً محسوس ہوتا ہے. بارش بھی شاید ہونے والی ہے تو یہ فوجی بھی کھڑا ہوا ہے. بہت حساس علاقہ ہے, فوجی وجی بہت زیادہ ہے. یہ باغ جو ہے کھجوروں کا, اسرائیل کا باغ ہے. یہ نیچے بارڈر ہے, تھوڑا شاید نظر آ رہا ہو نیچے بارڈر ہے. یہ اس کے مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا.